नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य वास्तु विशारद नयनेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ फ्यूचर ग्रो में। आइए जानते हैं मीन राशि का राशिफल। इस वीक में मीन राशि के अपने प्रयासों की सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो आपने पहले मेहनत की है उस मेहनत के प्रयासों को विशेष लाभ होने वाले हैं। यदि किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो लाभ निश्चिंत मिलेंगे। आपके जो पहले के कहीं पैसे फंसे हुए हैं वह मिलने की वजह से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस वीक में हो सके तो अपने मित्रों के साथ थोड़ा समय बिताइएगा, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा होगी और उनके पास जो एक्सेस वर्क है वो मिलने की वजह से आपका काम और भी आगे बढ़ सकता है। इस वीक में रिश्तेदारों से भी लाभ हो सकता है। यदि आपके मातृपक्ष का कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है या काम करना चाहता है तो उसका सपोर्ट लेने से भी लाभ निश्चिंत मिलेगा। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को इस वीक में यदि भगवान जी का दर्शन करना है या कुलदेवी के दर्शन करने की इच्छा हो तो अपने परिवार के साथ जाके कुलदेवी का दर्शन करें, मन को शांति जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें भी जीवन साथी को मिलने का संयोग होगा। जो कोई व्यक्ति आप प्रिय है, आप यदि किसी से प्रेम भी करते हो तो उसके सामने यदि विवाह का प्रस्ताव रखा जाए तो इस वीक आपका काम हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं जिसपे फोकस बढ़ाने से निश्चित ही कंपनी में बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी के अच्छे इनकम की वजह से आपके भी इंसेंटिव में इजाफा जरूर होगा। हो सके तो अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाए, निश्चिंत ही आपके प्रमोशन के बारे में विचार हो सकते हैं। इस वीक में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी ट्रैवलिंग ना करें, हो सके तो लिमिटेड एरिया में रह के या जहाँ से आपका ऑफिस टू होम काम होता है उतना करिएगा। दोस्त मित्र के साथ कहीं आउट स्टेशन जाने का प्लान न करें, अन्यथा आपकी पीड़ाएं बढ़ सकती हैं और किसी न किसी प्रकार से आपके शारीरिक पीड़ाएं बढ़ने की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। मीन राशि के व्यक्तियों को विशेषतः इस वीक का लाभ प्राप्त करने के लिए ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यदि 108 बार स्मरण नित्य मॉर्निंग में आप करते हो तो निश्चिंत ही इस वीक में सफलता के कदम चूमेगी। नमस्कार।